जी फ्रेंड्स, हमारी अंडा ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज हम बनाने वाले हैं अंडा ब्रेड डिफरेंट स्टाइल में, जो कि बनेगी भी बहुत जल्दी और बच्चे और बड़ों को पसंद भी बहुत आएगी। पहले इसमें से हमने सेंटर में से ब्रेड निकाल लेनी है। तरह से लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन, 3 टेबलस्पून प्याज। इसे थोड़ी देर पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च। अगर आपको इसमें रेड भी मिल जाए तो बेस्ट है, रेड एक एक टेबल स्पून रेड और एक ग्रीन कर लें। मेरे पास सिर्फ ग्रीन है। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून टमाटर डाल दूंगा, बारीक चॉप किए हुए। इन्हें हम थोड़ी देर पका लेंगे प्याज के साथ, ताकि ये नरम हो जाए थोड़े से। और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे, 1 टीस्पून के करीब। और थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। हम इसमें नमक भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। आप हसबे जायका डाल लें, कम ज़्यादा कर लें। इसे थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब जी ये प्याज और शिमला मिर्च हो गई है रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। जी आग का फ्लेम हमने कर लिया बिल्कुल स्लो। इसमें रखेंगे हम ब्रेड, इसे हमने काट लिया था। और इसमें जो हमने मसाला बनाया शिमला मिर्च और प्याज का, वो लगाएंगे। और इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग अंडा। इसके ऊपर रखेंगे ये ब्रेड, और इस ब्रेड को ऊपर से हमने थोड़ा सा दबा देना है। थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। जी 2 मिनट हमने इसको एक साइड से पका लिया, और 2 मिनट ही दूसरी साइड से पकाएंगे। ऐसे ही इसको पलट लेंगे। आप चाय के साथ लें, या सुबह के नाश्ते में, शाम में लें, बहुत ही मज़ेदार।